शिवसेना और बीजेपी के बीच जब से गठबंधन टूटा है तब से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वार पलटवार का ये दौर हर कार्यक्रम में नजर आता है। उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन यानी रविवार को अपनी पुणे यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाबी वार किया है। तो क्या था अमित शाह का आरोप और इस पर क्या बोले राउत, देखिए इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गठबंधन से अलग होने को लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने शिवसेना पर आरोप लगाया है कि सत्ता के लिए ठाकरे ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तब के गठबंधन सहयोगी शिवसेना के बीच ये तय किया गया था कि 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया। अब उनके इस दावे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। संजय राउत ने इसे वास्तविकता से बहुत दूर करार दिया है। साथ ही संजय राउत ने दावा किया कि ये भाजपा थी जिसने 2014 में सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए शिवसेना को छोड़ दिया। शिवसेना के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, टिप्पणियां वास्तविकता से बहुत दूर हैं, हम इसमें सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना हमारी सरकार और हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाकर वो देश को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि लोग उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, मैं भाजपा के नेताओं में ये विफलता देख सकता हूँ। दरअसल पुणे यात्रा के दौरान बिना नाम लिए ठाकरे और शिवसेना पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा था, चूंकि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए आपने भाजपा को धोखा दिया और सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करके मुख्यमंत्री बने। अब अमित शाह के इसी बयान पर शिवसेना सांसद की प्रतिक्रिया आई है, तो अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या नई कहानी बनाई जाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।